यार मैंने इतनी सारी आइसक्रीम स्टिक्स खरीद लिया है, अब इसका मैं क्या करूं? आइडिया, इससे अब मैं बुकमार्क्स बनाऊंगी। हाँ तो फिर वही करते हैं। सो बुकमार्क्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, पहले हम वो देख लेते हैं। सो बुकमार्क्स बनाने के लिए हमें चाहिए आइसक्रीम स्टिक्स, क्ले, एक्रेलिक कलर्स, पेंट ब्रशेस और ग्लू। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले, और इसका एक छोटा पैकेट भी आता है, वो आपको 25 रुपीस में मिल जाएगा। और इसमें हमें दो पैकेट्स मिलते हैं, एक में रहता है रेजिन पार्ट, एक में रहता है हार्डनर पार्ट, और इन दोनों को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिलाना पड़ता है, तो पहले हम वो काम कर लेते हैं। तो मैंने क्ले को एकदम रेडी कर लिया है, तो अब हम हमारी फर्स्ट बुकमार्क को बना लेंगे। और फर्स्ट बुकमार्क के लिए मैं आज बनाऊंगी लायन का फेस। और उसके लिए मैंने सबसे पहले मोल्डेड क्ले को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है, ताकि हमें क्ले के साथ काम करने में आसानी हो, ताकि हमको समझ में आए कि फेस में कितना प्रोपोर्शन लगेगा, ईयर में कितना प्रोपोर्शन जाएगा। और यार मोल्डेड क्ले से स्ट्रक्चर्स बनाना उतना मुश्किल भी नहीं है, बस हमें स्ट्रक्चर को समझना है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, मैं बस छोटे छोटे गोला बना के हर एक एलिमेंट को बना रही हूँ, एंड देन आपस में जोड़ दे रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि ये कोई खूंखार लायन नहीं बनेगा, ये बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा लायन बनेगा। क्ले का काम कंप्लीट होने के बाद हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, और जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए तब हम इसमें कलर करना स्टार्ट करेंगे। और कलर करने के लिए हमें यूज करना है एक्रिलिक कलर्स का। सबसे पहले मैंने व्हाइट एक्रिलिक कलर से लायन की पूरी फेस को कवर कर दिया, ये हमारा बेस का काम करेगा। एंड उसके बाद मैंने इस पे फाइनली कलर करना स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने बेस के लिए तो व्हाइट एक्रिलिक कलर्स का यूज किया है, पर अगर आपके पास जेसो है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। तो फेस को कलर करने के लिए मैंने बहुत ही बेसिक सी कलर को यूज किया है, लाइक येलो एंड ऑरेंज। और उसके बाद ब्राउन कलर से मैंने इसकी नाक और मूछें भी बना दी है, ब्लैक कलर से आईज बनाई है। और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिटेलिंग्स ऐड कर रही हूँ, एंड देन मैं लगाऊंगी बहुत सारी ब्लश, क्योंकि मैं पहले ही कहा था कि हमारा लायन बहुत ही क्यूट बनेगा। एंड पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक आइसक्रीम स्टिक, एंड उसके ऊपर ग्लू लगा के इस लायन की फेस को चिपका दूंगी। उसके बाद मैंने स्टिक पे भी येलो कलर से थोड़ा कलर कर दिया है, तो हमारा फर्स्ट बुकमार्क बनके एकदम रेडी है। आपको ये बुकमार्क कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना, और साथ में ये भी बताना आप में से किस किस का फेवरेट एनिमल है लायन। सो अब हम हमारी नेक्स्ट बुकमार्क को भी बना लेते हैं। सेकेंड बुकमार्क के लिए मैं बना रही हूँ एक प्यारा सा कैट का फेस, और इसके लिए भी मैंने क्ले को सबसे पहले अच्छे से तैयार कर लिया है, मतलब रेजिन पार्ट और हार्डनर को अच्छे से मिक्स कर लिया है, एंड देन उसे अलग अलग हिस्सों में बांट लिया है। ठीक उसी तरह से जैसे मैंने लायन का फेस बनाई थी, हमें हर एक पार्ट को अलग अलग करके बना के लास्ट में चिपका देना है। तो अब ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, एंड मैंने इस पे कलर करना स्टार्ट भी कर दिया है। और मैं आज इस कैट को पूरा व्हाइट ही रखने वाली हूँ, तो मैंने व्हाइट कलर का दो कोट अप्लाई किया है। पर आप यहाँ पे व्हाइट की जगह कोई भी कलर यूज कर सकते हो जो आपको पसंद है, पर बेस में व्हाइट कलर जरूर लगा लेना। पहले मैंने सोचा था कि इस कैट को पूरा ब्लैक एंड व्हाइट ही छोड़ देना है, पर मैं देख रही हूँ कि ये थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है, तो मैंने येलो कलर से भी इस पे थोड़ा बहुत डिटेलिंग्स को ऐड किया है। और पेंटिंग कम्प्लीट होने के बाद मैंने लिया है एक आइसक्रीम स्टिक को, एंड उसके ऊपर मैंने लगाया है फेविकॉल। उसके ऊपर मैंने इस कैट की फेस को अच्छे से चिपका दिया। मुझे तो यार ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। और इसी बात पे ये भी बता दो, आपको कैट्स ज्यादा पसंद है या डॉग्स? सो हमारा सेकंड बुकमार्क भी बनके एकदम रेडी हो चुका है। अब हम फटाफट से हमारा थर्ड बुकमार्क को भी बना लेते हैं। ओ मैंने बताया नहीं, थर्ड बुकमार्क के लिए मैं बना रही हूँ मेरी फेवरेट एनिमल। हाँ मेरी फेवरेट एनिमल कौन सी है जल्दी से याद करके बताओ। पीकॉक। पीकॉक मेरी फेवरेट एनिमल। पीकॉक कब से एनिमल बन गया? देखो तुमसे बात करते करते मेरा एलिफेंट का फेस भी रेडी हो गया। मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ कि पहले बेस अप्लाई करो, फिर कलर अप्लाई करना, फिर देखना कलर बहुत अच्छे से निखार के आएगी। और यहाँ पे मैं खुद ही बेस अप्लाई करना भूल गई, पर आप बेस अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वरना आप कलर का दो कोट भी अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद जब पेंटिंग कंप्लीट हो जाए और पेंट पूरी तरह से ड्राई हो जाए, तब हम लेंगे एक आइसक्रीम स्टिक। मैंने यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक को पिंक कलर से कलर कर लिया है, और उसके ऊपर मैंने एलिफेंट की फेस को चिपका दिया है।
सो हमारा थर्ड बुकमार्क भी बनके एकदम रेडी हो चुका है। आपको ये बुकमार्क कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। और यार आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है कमेंट करके जल्दी से बता देना, ताकि मैं अगले वीडियो में आपकी फेवरेट एनिमल का फेस भी बना सकूं। और अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।